गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत धमाकेदार मस्त होने वाला है। आज का ब्लॉग गाइस पूरा देखिएगा। आज हम सब जा रहे हैं मेरे गांव के बहुत काफ़ी पुराना एक मंदिर है, वहां पे हम दोनों हैं, हमारे चाचा हैं, हम लोग जा रहे हैं वहां पे घूमने के लिए। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि वहाँ क्या क्या है। पहले कुछ पुराना था, इस समय थोड़ा डेवलप हो गया है, रंगैया पुतैया टाइल वाइल लग गया। पहले कुछ और था, पहले ऐसा था, बदल के अब ऐसा हो गया है। गाइस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। अभी शाम का वक्त है, हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। इधर गेहूँ छोटे छोटे हैं और सरसों पीछे पूरा फुलाया उलाया है और सूरज भगवान उधर डूबने वाले हैं, अंधेरा होने वाला। आज थोड़ा धूप हुआ था, लगभग धूप हुआ था 20 दिन के बाद आज धूप हुआ था। अब देखते हैं कल ठंडी कैसी रहती। ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है गाँव में। मोबाइल ले गए, ये हमारा छोटा सा गांव, हम लोग यहाँ पर रहते हैं। सरसों है, इधर सरसों फुला गया है पूरा अच्छे से। हम लोग इधर जाएंगे और जाना है उधर मंदिर, थोड़ा दिख रहा है उधर जाना है हम लोगों को। लेकिन रेडमी 6 प्रो हम सोचा गाइस, अगर ब्लॉग पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। अभी हम लोग रास्ते में, अभी हम लोग जाना है थोड़ा उधर, वीडियो के साथ बने रहिएगा गाइस। हम सब रोड पे पहुंच गए हैं, ये हमारे गांव का रोड, हम लोग रोड पे पहुंच गए हैं। अभी थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं गाइस। हम लोग अपने मंदिर में पहुंच गए हैं। ये देखिए हमारे गांव का बहुत पुराना काफी मंदिर है, ये हमारे गांव का काफी पुराना मंदिर, शंकर भगवान का और काली माई का है। अभी मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। पहले कुछ अलग था, अब बन उन गया पूरा अच्छी तरह से। ए शंकर जी की नंदी गैया, मंदिर के सामने नंदी गैया हमेशा रहती, कहीं भी शंकर का मंदिर रहेगा तो। ये देखिए गाइस सामने से मेरे शंकर जी का मंदिर, मेरे गांव का शंकर जी का मंदिर है। तो शंकर जी अंदर हैं, ये गेट है बंद है। काली माई का मंदिर है, अंदर जा रहे हैं गाइस। जय भोले बाबा। जय भोले बाबा। ये मंदिर के सामने का व्यू, यहाँ पर एक पोखरी था, पोखरी पट उठ गया है। ये सामने एक छोटा सा पोखरा है और वो सरकारी स्कूल है। ये काली माई का मंदिर, एक यहाँ पीपल था वो झुरा गया। यहाँ पे सब छठ उठ भूखते हैं, हम लोग छठ आता दिवाली समय पे, तो यहाँ पे छठ उठ भूखते हैं और सामने मंदिर और यहाँ छठ सब भुगते हैं गाइस। आज का ब्लॉग बस इतना ही गाइस। अगर आप भोलेनाथ से सच्चा प्यार करते हो तो सब्सक्राइब कर, लाइक करना और कमेंट करना गाइस, और सपोर्ट करना। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में।